देश भर में आज 1959 में शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंबाला में भी पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने पहुंचकर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को बॉर्डर पर चीनी फौज ने घात कर हमला किया था, जिसमें भारत के 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर साल 21 अक्टूबर के दिन पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है। अंबाला पुलिस द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करने के लिए अगले 10 दिन तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शस्त्र उल्टे करके 2 मिनट का मौन रखा जाता है। राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को याद करते हुए इस दिन उनके नाम सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। शहीदी यादगार दिवस का इतिहास 21 अक्टूबर 1959 की उस घटना से जुड़ा हुआ है, जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर श्री करम सिंह की कमान में एक गश्ती दल के ऊपर लद्दाख में हॉट स्प्रिंग नामक जगह पर चीनी फौज ने छिपकर हमला किया, जिसमें 10 जवान शहीद हुए। 16,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की सर्दी में इस साहसपूर्ण शहादत और विलक्षण बहादुरी की यह अपने आप में एक मिसाल है। अब इसका आयोजन हर राज्य में जिला स्तर पर किया जाता है। इस अवसर पर हम आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।